स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हम आते हैं नाउ ओपन नेचर ऑफ यूएस सोसाइटी। नाउ व्हाट इज ओपन नेचर ऑफ यूएस सोसाइटी। यूएस सोसाइटी मतलब मे बी मीडिया, इट मे बी पब्लिक, इट मे बी सोसाइटीज, इट मे बी ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस और सम क्रिटिक्स हु आर स्पीकिंग क्रिटिकली अबाउट द व्हाट दैट इज एग्रेसिव नेचर ऑफ अमेरिकन मिलिट्री एडवेंचर और इन्वेशन। ओके, सो अमेरिका कभी ना कभी कहीं ना कहीं इट वेंट आउट फोर्सफुली एग्रेसिवली एंड दे हैव ट्राइड टू ऑक्युपाई सम एरिया, ओके, और फोर्स सम पीपल टू जस्ट गो थ्रू एंड बहुत कुछ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, व्हेन इराक वाज इन्वेडेड बाय अमेरिका, ओके, 2003, दैट टाइम दे हैव जस्ट हैव गिवन द कॉज क्या था, देयर इराक वाज मे बी फाउंड इन एन developing of nuclear weapons, so they want to go and attack Iraq, okay, to teach a lesson to Saddam Hussein. So उन लोग गए वहाँ पे जाके सब पूरा पूरी जो इराक था उसको पूरा destroy कर दिया, कितने सारे लोग मर गए, everything being destroyed, so many things have happened there, life has been tortured, life has been exploited, people have been killed. Ultimately, when they came up after long time, जो war के बाद, and when they were asked, Bush was asked कि आपको न्यूक्लियर वेपन्स मिला क्या, he has said no. तो ये जो था वो बहुत नेगेटिव पॉइंट था उनके बारे में, because of which he was criticized so publicly, उनके ऊपर में बहुत क्रिटिसिज्म पॉइंट रखा गया उनके ऊपर, एंड ही कुड नॉट आंसर बहुत सारा चीज़ों का। एंड आफ्टर वर्ड्स वैन देर वॉज एन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नेक्स्ट टाइम, ही हैज लॉस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मे बी बिकॉज ऑफ दैट थिंग वन रीजन, ओके, बिकॉज पीपुल हैव नॉट लाइक दिस थिंग्स। सो इस तरह का चीज ओपन नेचर में खुद पब्लिक खुद मीडिया कर सकता है, ओके, दिस इज दिस थिंग। नेक्स्ट वन इज देखो नेटो, तो वी ऑल नो व्हाट इज नेटो। सो यहाँ पे लिखा मैंने, यूएस हैज टू मेंटेन द अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी दैट फॉलो द मार्केट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। यूएस कैन बी प्रेशराइज्ड टू बी मॉडरेट इन इट्स यूज ऑफ पावर। ओके, नाउ नेटो, आपको अगर पता है नेटो हैज बीन मेड बाय सो मेनी मेंबर कंट्रीज, ओके, सो दिस मेंबर कंट्रीज दे वेर अंडर द बैनर ऑफ कैपिटलिस्ट जोन, ओके, और द लीडिंग रोल वाज प्लेइंग बाय अमेरिका। तो अगर नेटो में उनको रहना है, लीडिंग रोल में प्ले करके रहना है, तो उनको बाकी सबका भी बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये दिस इज अ नेटो इज एन अलायंस सिस्टम, ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग यहाँ पे जो और उन्होंने जो ये इकोनॉमी का जो लिखा है यहाँ पे, मार्केट मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ है, लिबरलाइज पॉलिसीज को लिया गया है, तो ये सब कुछ कॉमन सब जगह पे दिया गया, बिकॉज यूएस ही नेटो बना के वो चला गया और जाके उन्होंने अलायंस बना दिया, ओके, एली ढूंढा, दोस्तों को ढूंढा और उन्होंने ग्रुप को फॉर्म कर दिया, एंड दैट केम टू बी नोन एज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी अगर उसको सर्वाइव करके रखना है तो इसको यूएस हैज टू बी ए बिट, उनको थोड़ा सा बैंड होके चलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, दे कैन नॉट जस्ट गो एग्रेसिवली विद पार्टनर कंट्रीज, ओके, तो यूएस कैन बी मॉडरेटली यूज और यूएस हैज टू बी मॉडरेट सम वे और दी अदर। तो ये जो सारा चीज है उसको हम देख के एनालाइज कर सकते हैं कि US can also be put on constraint. Though US is hegemonizing the world, US has a great power in every sector, but then also some way or the other, US can be put on a bit constraint. Okay, maybe by itself, उनका खुद का organs, उनका खुद का governmental system में, और by the public, और by something or the other, but वो American ही system के अंदर में ही आता है वो. Okay, so this is a constraint on American hegemonic power. Okay, so I hope students you are getting through all these things and you will be able to understand. Thank you students.